प्रदेश के सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह की अध्यक्षता में ए लेवल के ठेकेदारों की बैठक गुरुवार को जीडीए सभागार में आयोजित की गई। बैठक के दौरान ठेकेदारों ने समय से धन राशि की भुगतान करने, उनके कार्य में प्रशासनिक की तरफ से आ रही दिक्कतों को दूर करने तथा जीएसटी पर लागू किए जाने सहित अपनी विभिन्न मांगों को उत्तर प्रदेश के सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह के समक्ष रखा। ठेकेदारों की समस्याओं को सुनकर प्रदेश के सिंचाई मंत्री ने उन्हें जल्द ही उनकी समस्याओं का निस्तारण करने की बात कही। इस दौरान सिंचाई मंत्री ने ठेकेदारों को दिए गए कार्यों को समय से गुणवत्तापूर्वक कार्य करने की भी बात कही। बैठक के दौरान सिंचाई मंत्री ने ठेकेदारों को आगाह किया है कि समय से गुणवत्तापूर्वक कार्य पूरा न करने वाले ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट में नाम डाल दिया जाएगा। इस अवसर पर ठेकेदार संघ के अध्यक्ष धनश्याम दुबे, प्रमोद सिंह, रंजीत आजाद सिंह, सौरभ सिंह सहित कई ठेकेदार मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा, अधिकारी एक तरफ से घर से परिचय से शुरू करेंगे। ठेकेदार बता दें तो उसको रिपीट ना करें, एक ही बार कम समय में अच्छे सुझाव आ जाए और आपकी सारी बातें आ जाए। इसलिए सरकार की मंशा के अनुरूप काम करना और अच्छा काम करना। कई बार पिछले वर्षों से पिछले साल से आते जाते इस बार विचार आया कि काम तो ठेकेदारी करते, हमारी उनसे बात नहीं होती और हम यही मानते रहते हैं कि ठेकेदारों में इतना कुछ करना ही है, क्या क्या समस्या है। तो सरकार जैसा चाहती है समय पर काम ठीक से हो जाए, बेहतर काम आप कैसे कर सके वो भी सुझाओ, काम की गुणवत्ता और समयबद्धता दो शब्द बोल रहा हूँ, कार्य की गुणवत्ता और समयबद्धता कैसे हो, कार्य समय पर कैसे पूरे किए जाए, इस संबंध में आपके सुझाव हमें तो ठीक है। मैं समझता हूँ इधर से भी आप शुरू कर सकते नोट अपना जब सुझाव दें कर चलिए शुरू करिए। सर आज दिनांक 7/6/18 को आप द्वारा ठेकेदारों को बुलाई गई बैठक की सूचना जिसके लिए आपको कोर्ट का धन्यवाद। अब ठेकेदारों के सामने कुछ गंभीर समस्याएं हैं जिसको आपको संज्ञान में लाना चाहते हैं तथा समाधान की उम्मीद है, जो निम्न प्रकार है। देनदारी के भुगतान की समस्या प्रमुख है। ठेकेदारों द्वारा बाढ़ बचाव कार्य बिना निविदा, बिना पैसा, बिना अनुबंध के करा लिया जाता है। बाद में अनुबंध गठित होता है परंतु धनाभाव में भुगतान नहीं होता, वह एक साल बाद देनदारी कर भुगतान नहीं किया जाता। देनदारी का धन उपलब्ध कराना सुनिश्चित कराने का कष्ट करें ताकि ठेकेदारों का भुगतान हो सके। ठेकेदारों के यहाँ रजिस्ट्रेशन में हैसियत और चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, क्योंकि आप यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं और जिलाधिकारी महोदय के वहाँ 6-6 महीने से लंबित है। 6-6 महीने से लोगों का कागज लंबित है परंतु वहाँ से जारी नहीं हो पा रहा। उन्हें निर्देश देने का कष्ट करें सर कि वो 10-15 दिन के अंदर इसका निस्तारण करें। निविदा सर सिंचाई विभाग में भी आबकारी एवं खाद्य एवं रसद विभाग जैसा लॉटरी के माध्यम से कराया जाए जिसमें निम्नवत दर से बचा जा सके, जिससे गुणवत्ता और समयबद्धता दोनों बनी रहे। सहायक अभियंता और अधिशासी अभियंता के अनुबंध की सीमा क्रमशः 5 से 50 लाख तक किया जाए, जो ई टेंडरिंग से मुक्त हो। अधिशासी अभियंता का की सीमा तक निविदा ई टेंडरिंग से मुक्त रखा जाए। निविदा में ली जा रही अनुभव एवं बिल्ड कैपेसिटी तथा टर्नओवर की मांग का प्रतिशत कम किया जाए।
ठेकेदार संघ हेतु सिंचाई कैंपस में एक कक्ष आवंटित किया जाए जहां हमें बैठने की जगह हो, हम अपनी बात विचार विमर्श कर सकें। निविदा प्राय धन आवंटन के बिना कराया जा रहा है जो कि नियमों के विपरीत है, इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। निविदा पड़ जाने के बाद अधिकारी द्वारा समय से खोला नहीं जाता जिससे ठेकेदारों की सिक्योरिटी अनर्गल रूप से फंसी रहती है। निविदा शुल्क विभाग द्वारा मनमानी तरीके से लिया जा रहा है। यदि 10 लाख की निविदा है उसका भी टेंडर कास्ट 2354 रुपया और 10 करोड़ की निविदा है उसका भी कास्ट 2354 रुपया है, जिसका सर मानक के अनुरूप इसको तय कराया। बजट एवं साख सीमा आने पर भी समय से भुगतान नहीं किया जा रहा और विलम्ब का कारण अधिकारियों द्वारा अनर्गल हस्तक्षेप और दोहन का कार्य हो रहा है। विभाग में सर जीएसटी की दरें तय नहीं है कि किस पर क्या लगेगा और विभाग बैट की तरह जीएसटी पूर्व की भांत काट कर स्वयं जब जमा कराने की व्यवस्था किया जा सके। पिछले वर्ष बाढ़ खंड गोरखपुर में आई भीषण बाढ़ में बाढ़ बचाव कार्य हेतु खाली बोरी नायलान क्रेन इत्यादि की सप्लाई दी गई थी, उसका आज तक ठेकेदारों का अनुबंध नहीं गठित किया गया। पिछली बार सर आए थे तो आपसे मौखिक रूप से कहा गया था, जिसका आपने निर्देशित किया था, लेकिन आज तक हो नहीं पाया। आप द्वारा आदेशित किया गया परियोजना तोड़कर छोटी छोटी निविदा की जाए एक आदेश देकर किया गया था, परंतु अधिकारियों द्वारा उसका अनुपालन आज तक नहीं किया गया। सर यही हमारी मुख्य मांगे हैं और यदि इन सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा सर तो कार्य की गुणवत्ता भी बनी रहेगी और कार्य समय से पूर्ण हो जाएगा। आपने बहुत अच्छा किया कि सभी ने एक राय से समस्याएं दे दी, इनको हम करेंगे। कुछ काम जैसे आपके बैरिनी की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए, काम के बाद भुगतान आवश्यक है, तत्काल होना चाहिए, कोई हिला। आपके इस ज्ञापन का मैं स्वयं अध्ययन करूंगा और विभाग को बिठा कर जो नियमों में होगा उसे निश्चित हल करेंगे, क्योंकि आपके ज्ञापन का भी काम। दूसरा मेरा विशेष आग्रह आपको, इससे आप लोगों की भी साथ बढ़ेगी, क्योंकि हम सबसे बात करते हैं, आपसे बात ना करें तो भी ठीक नहीं है। इसलिए लगा कि कॉन्ट्रेक्टर जो हैं वो बहुत ठीक लोग हैं, उनसे मिलना चाहिए और आज हम उसी संदर्भ में आपसे बात कर रहे हैं। तय समय में आप अपना पूरा काम करें, हम आपका भुगतान करेंगे। तय समय में यदि आप काम करेंगे तो भुगतान पूरा कराएंगे और तय समय के बाद आपको कोई भी समय नहीं देंगे। भुगतान पूरा करेंगे, तय समय में आप काम करेंगे, कोई कठिनाई नहीं आने देंगे, लेकिन जो परंपरा है तय समय से बाद आप काम बढ़ाते रहते हो उसको नहीं बढ़ने देंगे। आवश्यक हुआ तो हम ब्लैक लिस्टेड भी कर देंगे आपकी सारी समस्याएं हल करने के बाद। यदि आप हमको हम आपको सहयोग करें, आप हमें सहयोग करें। समय सीमा एक बात हुई है, हमने आपने अपनी बात दे दी और फिर भी आपकी कोई बात आवेगी तो ऐसा प्रतिबंध नहीं है कि आपने दे दिया तो आपको अवसर नहीं, हम आपको फिर अवसर देंगे। तो हम अपनी मंशा से आपको अवगत कराना चाह रहे हैं कि आपने कुछ कहा है कि टुकड़ों में करके काम देख बाकी चीजें देख लें, क्योंकि नियमानुसार आपका जिला आपके जिले को देश नहीं दुनिया देखती है, गोरखपुर को अब देश ही नहीं दुनिया देखती है कि गोरखपुर कहाँ है। आप भागशाली हो, आपको जो भी काम मिले आप अच्छा काम करते हो और इसी में मैं ये नहीं कह रहा कि नियमानुसार आप पूरी मदद में हम मदद करेंगे और ठीक ठाक काम बनेगा तो आपका भी काम बनता रहेगा, कोई कठिनाई नहीं है। ठेकेदार के साबुत तेल का पैसा भी निकलता रहे चाहे पैसे बचे, लेकिन काम की गुणवत्ता के साथ निश्चित वो स्कीमें भी ऐसे बनते हैं उनमें आपकी मदद हो जाती है।
लेकिन काम जब आप समय से दोगे तो हम और भी मदद आपको मिलता है काम के पैसे, जो काम का पैसा पहले चेहरा ढूंढ गया तो काम समय से आप पूरा करते, ये आपकी जिम्मेदारी है। कहाँ कठिनाई आ रही है आपका विभाग से ठीक ठाक तालमेल बना रहे, क्योंकि अखबारों में छपता है कि बजट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, क्या है, वो है, हमको भी खराब लगती है और आपका भुगतान नहीं होता हमें भी अच्छा नहीं लगता। पैसे की कोई कमी है नहीं सरकार, और हम चाहते हैं बाढ़ से पहले आज आपके साथ बैठना, आप अच्छे श्रेणी के कॉन्टेक्ट करें, आपने अच्छे काम करके भी दिखाने जगह जगह पर। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अच्छे काम नहीं किए वो भी मेरे पास सूचना है, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत अच्छे काम किए उसकी भी सूचना है। तो जिनने अच्छे काम किए उनको बहुत धन्यवाद, जो अच्छा है तो आप लोग प्रयास करें, जिनका काम अच्छा नहीं वो अच्छी श्रेणी में आवे और जिनका अच्छा काम है और आगे बढ़ने का काम करें। तो हम समझते हैं आप लोग तय समय में काम करेंगे तो हम आपको कोई कठिनाई नहीं आने देंगे। और आपने जो कहा ज़्यादातर बातें कुछ ठीक है, एक चीज ऐसी है जो ई टेंडरिंग में नहीं की जा सकती तो वो तो नहीं हो पाएगी, और जो काम करने का है वो हम जरूर पूरा कर देंगे। अधिकारियों से मेरा विशेष आग्रह, आज ऐसे कॉन्ट्रेक्टर तो सारे लोग बैठते नहीं है, किसी ने कह दिया ठेकेदार को हटा दो बंदे, चलो डीएम साहब भी आए। अच्छा, मैंने डीएम साहब को इसलिए बुलाया, अधिकारियों के नोडल अधिकारी है, इन्हीं की देखरेख में सारे काम होंगे यहाँ पर बाढ़ के, और भी ये गोरखपुर जिलाधिकारी नोडल अधिकारी, और इसमें कोई कठिनाई नहीं। और इसमें मैं अभी इसीलिए मैं कह रहा था, मैं अपने प्रशासन से भी कहता हूँ, जो आपसे कह रहा था कि भाई पहली बार हम ठेकेदारों के साथ बैठ रहे हैं, ठेकेदार कमरे में आता है भाई हम इससे बात नहीं करेंगे, हम ही कह देते थे कि हम ठेकेदार से बात नहीं करेंगे, तो हमें लगा कि काम तो मेरा ठेकेदार पूरा करेगा और अधिकारियों का भी तालमेल। अब मैं जिलाधिकारी को मैंने डीएम साहब को इसलिए बुलाया कि उनके सामने भी आपकी कोई बात आ जाए, एक बात आई है तो मैं इनसे बात करूंगा, और मैं समझता हूं इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी, अभी भी आपके सामने ही बात कर लेता हूं, क्योंकि डीएम का काम भी ट्रांसपेरेंट है, इनका ये नहीं है कि साहब काम को, क्योंकि शासन की प्राथमिकता जैसे मैंने आपसे कहा, अभी मैंने इन लोगों से कहा है कि समय से ये काम पूरा करें, मदद करेंगे, और ये समय से काम पूरा नहीं करके देंगे पैसा होने के बाद तो हम इन्हें ब्लैक लिस्टेड कर देंगे, इन्हें कोई काम नहीं, ये भी और इनके जो पेमेंट का काम पूरा हो जाए और जो अधिकारी हमारा पेमेंट भुगतान आपको नहीं करेगा तो उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, दोनों काम करेंगे। अधिकारी के काम होने के बाद भी यदि अधिकारी आपका भुगतान नहीं कर रहा है, हीला हवाली कर रहा है, तो हमको सीधे बता दीजिए, हम उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये दोनों चीजें हैं, गिव एंड टेक, देना और लेना, जब आप दीजिए तो पहले तभी तो आप सरकारी पैसा आएगा, तब तक हम पैसा तो आपको मिलना ही, पैसा तो आपको मिलना ही है, तो इसलिए क्यों ना समय से काम पूरा कर दो। और ठेकेदारों की क्या परंपरा है, काम को आगे बढ़ाते फिर और बजट बनाते हैं। सिंचाई विभाग की बदनामी इसका दूसरी हो रही है, सिंचाई विभाग मत अरे भ्रष्टाचार का विभाग है, तो दादा जब विभाग मिला था तो ठीक ठाक थे विभाग से पहले, और विभाग मिल गया था तो दादा बीपी बढ़ने लगा, बड़ी हरी समस्या है सिंचाई विभाग में, अरे भ्रष्टाचार का विभाग। इसलिए हमने आपसे कहा कि आप भी अच्छे लोग हैं, आप पर भी दाग लगते हैं, आप लोग भी कई अखबारों के माध्यम से बताते हो, कहीं किसी के माध्यम से बताते हो, कहीं किसी को पकड़ देते हो, सीधे मुझे बोलो ना यदि कोई कठिनाई आ रही है तो मुझे बताओ कि आपको क्या कठिनाई, जिलाधिकारी को बताओ, आज हमने करना। और हम आपसे विशेष आग्रह करेंगे, गोरखपुर कहीं से बाढ़ में एक इंच भूमि ना कटे, ये आपकी भी जिम्मेदारी है।
जो जो काम बाढ़ के काम कर दिए अच्छा है, कुछ ने बताया कि हमारे काम पूरे होंगे। आज यहाँ जनपद गोरखपुर में आसपास एक क्लास के कॉन्ट्रेक्टर, उनको हमने बुला कर ये कहा कि काम को समयबद्ध निपटाने का काम करें, उनकी समस्याएं भी सुने, और जो ठेकेदार समय से काम पूरा नहीं करेगा भुगतान होने के बाद भी, तब उसे ब्लैक लिस्ट भी कर सकते, उनकी बात की भुगतान काम के बाद भुगतान की समस्या नहीं आने देंगे, काम के बाद जो अधिकारी भुगतान नहीं करेगा अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। तो आज कॉन्ट्रैक्ट की समस्या सुन और उनकी समस्या का निराकरण भी तत्काल मौजूद करा दिया ताकि कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित बनी।